खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं हम आपको बता दें किस तरह से पक्ष और विपक्ष में कानून व्यवस्था को लेकर घमासान मचा रहता है, वहीं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विपक्षी नेताओं के विधानसभा विधायकी क्षेत्र में किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है। जहां पर उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव जहां से लगातार विधायक बने हुए हैं, वहीं पर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित का बुरा हाल कर दिया है। जिस तरह से मूसलाधार बारिश के चलते कई घर गिर जा रहे हैं और वहां पर और लगातार गिर भी रहे हैं, तो वहीं पर ये अपनी समस्या को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि समस्या का समाधान करें। क्या है नाम और क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या, नाम हमारा लाखन सिंह है सर। और समस्या गंभीर बनी हुई है, तो हम मुँह की बात मुँह में ही रहती है। हम मतलब 250 लोग हैं, कोई आधी बात नहीं कह पा रहे हैं और ना अधिकारी कर्मचारी हमारी बात कोई सुन रहा है। और जब मतलब शिकायत करते हैं, जो प्रधान भी बोलते हैं कि शिकायतें बहुत करते हैं, और सचिव कहते हैं कि आएगा तो बनवा देंगे, नहीं तो मतलब जो चलो ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं? आवास के? हाँ जी सर। अच्छा, तो जो रास्ते का आपकी समस्या है जहाँ जल भराव रहता है, तो उसको क्या प्रधान या कोई संबंधित अधिकारी नहीं समाधान कर पा रहा है? नहीं जी। क्या कहता है? कोई सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो कौन सा गांव है आपका? ग्राम तमहरा है और पोस्ट शिष्याट जसवंत नगर इटावा, न्याय पंचायत है कि जो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं साहब, हमारी मतलब रास्ता और नाली का निर्माण होना हो जाना चाहिए। और समस्याएं तो मतलब बहुत काफ़ी हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं मतलब दबंगों के वजह से। कहते हैं दबंगों से आपको कहीं ना कहीं जान माल का खतरा भी है। अच्छा, बोल कौन है वो दबंग लोग? पड़ोसी हैं। अच्छा, हाँ जी, पड़ोसी हैं। जाइए उधर से, जाइए, रास्ता नहीं निकलने देते। मतलब बीच घर में तार डाले हुए और एक वृक्ष खड़ा हुआ है, तो मतलब ये 200-250 लोग हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। अच्छा, इतने दबंग हैं। हाँ, कौन सा गांव बताया? ग्राम तमहरा। तो ये ग्राम तमहरा के जो पीड़ित वृद्ध हमारे साथ में हैं, जहाँ विधानसभा जसवंत नगर से किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं शिवपाल यादव, वह भी इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इन्होंने गुहार लगाई है और बताया है किस तरीके से दबंगों से इनको जानमाल का खतरा है। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी क्या दबंगई इसी प्रकार चलती रहेगी या समस्याओं का समाधान भी होगा इनकी। आपको हम बता दें विस्तार से इनकी समस्या का समाधान भी कैसे होना है। जो इनका रास्ता है वहाँ पर जल भराव है और जल भराव के चलते कई मकान ढह चुके हैं और कई ढहने की कगार पर हैं, और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही का शिकार आम जनता को बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। जहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत पहुँचानी चाहिए, तो वहीं पर इनके जो घर के पास जल भराव है उसके चलते खतरा अभी भी मंडरा रहा है। अब यहाँ पर सबसे शोचनीय विषय ये है कि इनके गांव में जिस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, क्या यूपी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजेगी? आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो आप भी घंटी बजाएं और हमें बताएं।